Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic nuclear or atomic energy, जो कि एक तरह की renewable source of energy है. Last video में हमने non-conventional sources of energy का topic जो है शुरू किया था, जिसमें हमने समझा था कि non-conventional sources of energy क्या हैं और कौन कौन से main non-conventional या फिर renewable sources of energy हैं, तो उनको हमने discuss किया था. तो अब हम शुरू करेंगे एक एक करके डिस्कशन इन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसमें से पहला है न्यूक्लियर और एटमिक एनर्जी. तो इसमें क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. तो ये जो एनर्जी है ना, ये एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के बाद प्राप्त होती है. व्हेन सच एन ऑल्टरेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. जब एटम के स्ट्रक्चर को ऑल्टर किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में. तो आप कह सकते हो हीट एनर्जी रिलीज होती है और फिर इस हीट एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. सो यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटमिक और न्यूक्लियर पावर. तो यूरेनियम एंड थोरियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए, और इनके जो रिजर्व्स हैं वो झारखंड एंड अरावली में पाए जाते हैं. अरावली रेंजेस जो राजस्थान में है, वहां पे ये पाए जाते हैं और इनको यूज किया जाता है एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर बनाने में. और यही देखो, न्यूक्लियर पावर या एटॉमिक एनर्जी जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब हम बिजली की बात कर रहे हैं, बट इन्हीं चीजों को यूज करके हम एटम बॉम्ब भी बनाते हैं. ठीक है, सो द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम. तो थोरियम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो केरला में भी पाया जाता है. केरला में जो मोनाजाइट सैंड है वहां से थोरियम जो है मिलता है. जैसे आयरन जो है वो आयरन ओर से निकलता है, इसी तरीके से थोरियम की जो एक तरीके से ओर है या उसका जो बेसिक मिनरल है वो क्या है, मोनाजाइट. तो मोनाजाइट से थोरियम निकाला जाता है, तो ये केरला में भी मिलता है. सो ये था एटमिक एनर्जी कि भाई कैसे होता है और कहाँ पे ये पाए जाते हैं. बट अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं कि एटॉमिक एनर्जी कैसे बनती है, कैसे हम यूरेनियम या थोरियम को यूज करके एनर्जी बनाते हैं, तो वो मोटे मोटे तौर पे कोल की तरह है. जैसे हम थर्मल एनर्जी बनाते हैं ना, जैसे हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, उससे पानी उबलता है, फिर स्टीम बनती है और स्टीम से फिर हम टर्बाइन को घुमा के बिजली बनाते हैं, तो लगभग वैसा ही सिस्टम इनका भी है. तो ये मान लो एक रूम जैसा एक सिस्टम है जिसको कि हम रिएक्टर कोर कहते हैं. अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे ऐसे दो रॉड्स होंगी हमारे न्यूक्लियर एक्टिव मटेरियल की, जैसे यूरेनियम हो गया. तो यहाँ पे ऐसे दो रॉड्स हैं, मान लो ये क्या, ये यूरेनियम की रॉड्स हैं. तो अब इस यूरेनियम के एटम के साथ ऑल्टरेशन कैसे की जाएगी, तो बहुत सारे जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एक तरीके से इन रॉड्स के ऊपर मारा जाएगा, इस यूरेनियम के ऊपर मारा जाएगा. बहुत ज्यादा बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं उसकी एक तरीके से बॉम्बार्डमेंट की जाएगी इन यूरेनियम्स के ऊपर, और इसके बाद क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा एक तरीके से हलचल होगी और नए जो एलिमेंट्स है वो बनेंगे, प्लस बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी. जब इस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा इस यूरेनियम के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो यूरेनियम है इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, कुछ न्यू एलिमेंट्स बनेंगे और बहुत ज्यादा जो एनर्जी निकलेगी उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये जो रॉड्स हैं वो पानी में फिल्ड हैं, यहाँ पे पानी है. तो जैसे ही ये पूरा प्रोसीजर होगा, ये यूरेनियम जो है उसके एटम्स के साथ अल्टरेशन की जाएगी और उससे क्या होगा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में. इसका मतलब इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है. अब जैसे ही इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी इन रॉड्स से, उससे क्या होगा, ये जो पानी है आसपास का वो उबल जाएगा. ठीक है, ये पानी जब यहां से उबलेगा तो क्या होगा कि भाप बन के उड़ने लगेगा. और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये पाइप लगाए हुए हैं. ठीक है, तो वो भाप जो है, वो जो स्टीम है, वो बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से इन पाइप्स के थ्रू जाएगी और यहां आ जाएगी. ठीक है, ये भाप जा रही है, स्टीम है ये. और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे टर्बाइन लगी हुई है. ठीक है, इस तरीके से, तो एक तरीके से ऐसे फैन की तरह होते हैं, इसमें ये टर्बाइन लगी हुई है. अब जब ये स्टीम बहुत ज्यादा तेजी से आएगी और इस टर्बाइन पे लगेगी, तो ये जो टर्बाइन है वो क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, घूमेगी. और जैसे ही ये रोटेट करेगी तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी है जो है
वो बनेगी, बिजली बनेगी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, बिजली बनेगी और इसमें भी ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं, इससे बिजली बनके कहाँ चली जाएगी, ग्रिड में चली जाएगी और मतलब आपके और हमारे घरों तक फिर बिजली आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टीम है ये क्या होगा, जब ये आगे पाइप से जाएगी तो इस पानी को, स्टीम को ठंडा कर दिया जाएगा जिससे ये पानी बन जाएगी और फिर ये जो पानी है वापस बह के इस चैम्बर में चला जाएगा और वापस यहाँ पे पानी बन जाएगा और ये सेम प्रोसीजर चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से पानी जो है वो भाप बनकर उड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो यूरेनियम है या ये जो दूसरा मटेरियल लगा हुआ है थोरियम है, उसमें क्या किया जा रहा है, इस तरीके से उसके एटम्स में ऑल्ट्रेशन की जा रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से पानी उबल रहा है, उबल के भाप बन रहा है, उस भाप को पाइप के थ्रू पहुंचाया जा रहा है इस टर्बाइन तक। भाप से, बहुत तेज भाप से टर्बाइन घूम रही है, उससे बिजली बन रही है जो कि आगे यूज कर ली जा रही है, जिसको कि आगे पहुंचा दिया जा रहा है और फिर बाद में ये भाप को ठंडा करके पानी बना के वापस से इसमें डाल दिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे पानी की भी जरूरत है, तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रहते हैं ये किसी पानी के सोर्स के पास रहते हैं, कोई नदी वगैरह है उसके पास नॉर्मली ये रहते हैं ताकि पानी इजिली पहुंच जाए। प्लस ये किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे इजिली ये जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो जहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, इससे बिजली कैसे बन रही है। और अब यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर हमने इस यूरेनियम का, थोरियम का और ऐसे ही एक हाइड्रोजन का भी यूज किया जाता है, अगर हमने इनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना सीख लिया तो हम इतने बड़े मात्रा में इनसे बिजली बना सकते हैं जिस, जो कि हमारी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड को पूरा कर सकता है और हमें कहीं और से एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये काफी अच्छा तरीका बन सकता है, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है। राजस्थान, झारखंड में थोरियम एंड यूरेनियम पाया जाता है, प्लस केरला में जो मोनाजाइट सैंड मिलती है वहां पे भी थोरियम पाया जाता है। तो ये मेन तीन जगह आपको याद रखनी है।